महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह, राजस्थान के विधायक दल के नेता टीका राम जूली और झुंझुनू लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह ओला भी मौजूद रहे। रावदान सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन सफल नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। दस साल की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देखी, विश्वास वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, विकास कराएंगे, वो कुछ भी नहीं मिला। ऐसा मिला तो निराशा, बेरोजगारी में युवा भटक रहे हैं, किसान अपनी फसल के भाव के लिए भटक रहा है, आम आदमी का जीवन महंगाई से पीड़ित है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इन परिस्थितियों के अंदर पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है परिवर्तन का, और वो परिवर्तन चाहते हैं कांग्रेस का, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो सरकारें देखी और विशेष तौर पर 10 साल तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे उस समय की,